स्टार्ट करें बेटा। वी हैव न्यूमेरिकल फर्स्ट जो आपको यहां मैं बताने जा रहा हूं। ए पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ए पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद द वेलोसिटी ऑफ विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड बेटा, 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा गया है हाउ हाई वुड द पार्टिकल राइज, हाउ हाई वुड द पार्टिकल राइज। एक और पार्ट पूछा गया है व्हाट टाइम विल इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट टाइम विल इट टेक, व्हाट टाइम विल इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ये हमें कैलकुलेट करना है बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, एक बार फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो चीजें आपको स्टेटमेंट में दी हुई है इनको हम सबसे पहले अलग करके लिखते हैं। आपको वर्टिकली अपवर्ड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड दे रखी है। वेरी नाइस रमनीत, विद ए गुड 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 गुड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, v at the highest point, this is required, and how high will the particle rise, very nice, okay, very nice. Height आपको निकालना है, कितनी height आपके object की होगी, time taken to reach the highest point कितना होगा, this is also needed. ये चीजें पूछी गई आपसे बेटा। good बेटे, very good, करते जाइए आप, बहुत बढ़िया। ये इमेजिन करिएगा कि आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है और हॉरिजॉन्टल सरफेस से आपने ये कोई चीज को विद दिस वेलोसिटी अपवर्ड थ्रो कर दिया। ये वेलोसिटी आपके पास, आपको ये 50 दी हुई है। आपका ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऐसे जाते 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 इट विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट, देन इट विल रिटर्न बैक, इट विल मूव बैक एज सच। ये इस तरीके का आपका जो पार्टिकल है ये पाथ फॉलो किया करता है। बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पर फॉर ए मोमेंट आपका जो ऑब्जेक्ट है इट कम्स टू रेस्ट। तो इसमें तो चलो इस ये इतना है नहीं कैलकुलेट करने वाला। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का इतना याद रखिएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट हमेशा जीरो होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका जो है इट इज आंसर्ड एज सच। अब आप हाइट निकालने के लिए थर्ड, हाँ जी बेटे, राइट राइट, हाइट निकालने के लिए हाईएस्ट पॉइंट की जो है इस हाइट को आप एच बोल सकते हो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। और आप थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, इट इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। डियर चिल्ड्रन, a आपका माइनस जी के बराबर हो जाएगा बिकॉज आप ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे हो।
और एस आपका डियर चिल्ड्रन एच के बराबर है, यू आपने 50 ऑलरेडी कर रखा है, और हाईएस्ट पॉइंट पर आपका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का पुत्र जी जीरो होगा दिया। गुड बेटा। सो इसके बाद बेटे हम ये सारी वैल्यूज जो हैं ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो जीरो का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, दिस इज माइनस 2, ए को मैंने माइनस 10 ही ले लिया, एच आप निकालना चाहते हैं, सो दिस इज माइनस 50 अगेन 50 माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच, तो ये आपका कट गया, और दिस इज विद ए 25, दिस इज आल्सो गेटिंग कैंसल्ड, एंड एच 125 मीटर जैसे आपने ऑलरेडी निकाल दिया है। गुड बेटे, वेरी गुड। अब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए बेटे टाइम कितना लेगा, इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन, यस दिया 5 seconds। गुड बेटा, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी इंटू टी, बी जीरो है, U 50 है, G 10 है, T निकालना है, 10T, this is 50, T is with a 5 seconds, सारे बच्चे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, yes, very nice, good बेटे, good, good, बहुत अच्छे। अगर किसी बच्चे का बेटे कोई पार्ट रहता है, आप within a minute नोट कर लीजिए, then we will shift to the next question बेटे, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं, सिंपली आपको जो आपकी डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनकी हेल्प लेकर, बाकी तो चलो वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन ही करना है आपने, सो यू कैन प्रोसीड इन दिस मैनर, आपने ऑलरेडी कर ही लिया है, दैट्स समथिंग वेरी नाइस। अब आइए बच्चों चलें आगे जी, इसके बाद हम किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे, लेट अस कंसंट्रेट। सो इसके बाद बेटा हमारे पास बात आ जाती है जी, आइए देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट अस कंसंट्रेट। यस बेटा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक बड़ा, इफ ए प्लैनेट एग्जिस्टेड, न्यूमेरिकल है, इफ ए प्लैनेट एग्जिस्टेड हूज मास वाज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, हूज मास वाज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, and whose radius 3 times greater, and whose radius 3 times greater, how much 1 kilogram mass weigh on this planet, how much 1 kilogram mass weigh on this planet, ये बच्चों आपको वर्कआउट करना है कितना उसका वेट होगा उस प्लेनेट पे, जब आप एक ऐसा प्लेनेट इमेजिन करते हैं कि एग्जिस्ट किया है जिसका मास जो है बेटा अर्थ के मास का डबल है और रेडियस उसका 3 times। सो डियर चिल्ड्रन, इस केस में आप जैसे ऑलरेडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लिख चुके हो, स्मॉल जी दिस इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर आपको पता है इसका, अर्थ के लिए आप इसको एम ई आर ई लिख दीजिए एंड मेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। E just stands for Earth। अब जब आपको उन्होंने planet दिया है
प्लेनेट का मास ऑफ द प्लेनेट जो है इट इज ट्वाइस द मास ऑफ द अर्थ, ये आपको दिया गया है। रेडियस ऑफ द प्लेनेट जो है इट इज थ्री टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये भी आपको दिया गया है। अब बच्चों जी की वैल्यू ऑन दैट प्लेनेट इट विल बी जी मास ऑफ द प्लेनेट रेडियस ऑफ द प्लेनेट इसका स्क्वायर, ये वैल्यूज दोनों यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जी की वैल्यू एट द प्लेनेट इट विल बी जी ट्वाइस मास ऑफ द अर्थ एंड थ्री टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ इसका स्क्वायर, और दिया बेटे 2.117। यस, तो जी की वैल्यू पोल पे जो है दिस इज 2/9, 3 का स्क्वायर 9 कर लिया हमने। ठीक है बेटा रमनीक, नहीं रमनीक आपका पॉइंट थोड़ा देखिए एक बार कैलकुलेशन चेक करिएगा, इसको देखिएगा बेटे 3 का स्क्वायर, यस 3 का स्क्वायर विल बी 9 बेटा, और 2 को हमने ऐसे रखा, दिस इज जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इसका स्क्वायर बन गया जी, कुछ इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। तो जी की वैल्यू जो होगी प्लेनेट के लिए दिस इज इक्वल टू 2/9, इस चीज को अगर आप देखो तो दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आप इसको जी अर्थ लिख सकते हो। अब बच्चों बिकॉज आप इसके वेट की बात कर रहे हो, वेट इज द फोर्स विद विच एन बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो वेट एट द सर्फिस ऑफ द प्लेनेट दैट विल बी इक्वल टू 2/9 टाइम्स वेट ऑन द अर्थ, और ये वेट ऑन द अर्थ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम इंटू जी ऑन द अर्थ, इट विल बी 2/9, मास 1 kg था, इट वॉज 9.8, ये 1 आपका, और इट विल बी बेटा ये आ जाएगा 2.18 newton, आपका जो है ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बेटे। 177 उसको फिर हमने 18 लिख दिया, तो यू कैन मैनेज इन दिस। डियर चिल्ड्रन बिफोर वी प्रोसीड विद इज इट क्लियर टू ऑल, यस डियर ऑल, ओके नाइस, ठीक है पुत्र जी, ठीक है बहुत बढ़िया जी, अपने हाथ में कॉपी पेन रखिए साथ साथ करते जाइए, वेरी नाइस ऑन योर पार्ट। आइए फिर आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें बेटे। जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इनके बिना इफ यू फाइंड टाइम और आपके पास कोई बुक अच्छी हो तो जितने मर्जी आप प्रॉब्लम्स करते जाइए, आपको काफी फायदा होगा आगे चलकर, काफी ज्यादा, राइट बेटे। तो मेक बेस्ट यूज ऑफ द फ्री टाइम इफ इट इज विद यू, न्यूमेरिकल्स करते जाइए और अच्छा होता जाएगा। आगे है बेटा एन ऑब्जेक्ट वेज 10 newton, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 newton व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, when measured on the surface of earth what would be its weight when measured on the surface of the moon, what would be its weight, its weight when measured on the moon, moon पे आपको weight निकालना है, मुश्किल वेरी नहीं, बिल्कुल ठीक है बेटे, मुश्किल नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल ठीक सारे बच्चों ने किया है, राइट बेटे राइट, बिल्कुल ठीक। और अगर कहीं आपको वो मास कहने को, मास निकालने को कह दें, बट इट विल बी बेटे देन अर्थ की सरफेस पे मास कितना होगा और मून की सरफेस पे कितना होगा वो भी निकाल लीजिएगा साथ ही। आपने
डिस्कस कर रखा है कि जी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इट इज 1/6 टाइम्स जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ होता है. यस गुड. इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, एम इंटू जी ऑन द मून इट इज 1/6 टाइम्स एम इंटू जी ऑन द अर्थ. ये आ जाएगा वेट ऑन द मून 1/6 टाइम्स वेट ऑन द अर्थ. अर्थ पे वेट 10 न्यूटन है, पुट कर दो सीधा ही. वेट ऑन द मून 1/6 इंटू 10 1.67 आपने निकाला है, दैट्स करेक्ट. और अगर मास आपको निकालना पड़ जाए तो इसको वेट को आप सिंपली यस करके डिवाइड कर दीजिए जी की वैल्यू से कॉरस्पॉन्डिंगली और आपका मास आ जाएगा. लेकिन याद रखिएगा जितना मास आपके ऑब्जेक्ट का अर्थ की सरफेस पे है उतना ही मास बेटे आपके ऑब्जेक्ट का ऑन द सरफेस ऑफ द मून भी होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो यू कैन मैनेज अकॉर्डिंगली. चलिए बेटे आगे चलते हैं. देन इसके बाद हमारे पास बेटे क्वेश्चन है नोट करिएगा साथ साथ बेटी, इंटरेस्टिंग टाइप है दिस इज आल्सो. और आइए देखें हम कैसे इसको डिस्कस कर सकते हैं. लेट अस फोकस. एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. यस बेटी यस. एन ऑब्जेक्ट is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meters and rises to a height of 10 meters. ठीक है जी. कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन. कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन. ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन. दूसरी बात, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. ये बच्चों दो चीजें आपको निकालनी है. आप करिए बेटा. I will wait for 2 minutes. मैं 2 मिनट के बाद करूंगा. आप सारे स्टूडेंट्स करिए बेटे. यू माइट बी हैविंग नोटबुक एंड पेन विद यू. ऑल ऑफ यू ट्राई दिस बेटे. देन वी विल बिगिन. सारे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे बेटा. कोई भी बच्चा नहीं ऐसा होगा जो ट्राई नहीं कर रहा. यस बेटे यस. ऐसे इक्वेशंस लगाइए और करिए सॉल्व बेटे. गुड 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 बेटा. वेरी गुड. करते जाइए लेकिन सॉल्व करिए बेटे. इक्वेशंस आप ठीक लगा रहे हो. दिया 1414. लेट मी कंफर्म. यस इनिशियल वेलोसिटी आपका ठीक है. अब आप टाइम भी निकाल लीजिए. टाइम भी बेटे निकाल के देखो कितना आता है. 1.43 seconds. यस बिल्कुल ठीक बेटा. बाकी स्टूडेंट्स भी कर लो उत्तर. इनिशियल वेलोसिटी निकालना है आपको. यस राइट बेटे. टाइम राइट राइट ठीक है. बाकी बच्चे भी करके देखो फिर मैं भी बेटे करता हूं. आप एक बार ट्राई कर लीजिए. हाँ जी बेटे बिल्कुल ठीक है रमनी. यस करेक्ट.
आप देखिए, पहले तो देखो आपको चीज क्या दी हुई है। हाइट h आपको 10 मीटर्स का दिया हुआ है, जितनी हाइट आपका ऑब्जेक्ट ऑब्टेन कर लेता है, और आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ बेटा, ठीक है। इतना जरूर है कि हाईएस्ट पॉइंट पर आपका जो ऑब्जेक्ट है फारे मोमेंट s पे आ जाता है, इनिशियल वेलोसिटी आपने निकालनी है, तो सीधा ही थर्ड इक्वेशन यूज कर लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो डियर चिल्ड्रन, जीरो ये u आपको निकालना है, माइनस टू, और इसको आप 10g को लेना तो ले सकते हो, h आपको निकालना है बेटा। सो यू विल गेट दैट आपका इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर नेगेटिव में, माइनस टू इंटू 10 इंटू एच, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, और नहीं एच तो आपको बेटे दिया हुआ है 10, पुट कर देते हैं इसको भी, दिस इज यू स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 10, यू इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 इंटू 100, ऐसे कर लीजिएगा, u इज इक्वल टू रूट 2 और 100 का रूट 10 आ जाएगा बेटा, एंड रूट 2 1.414 होता है, 10 साथ में लिख लीजिएगा, इट इज 1.414 मीटर्स पर सेकंड, इतना आपका आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। देन आपको निकालना है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, अगेन फर्स्ट इक्वेशन आप लगा सकते हो बेटा, v is equal to u plus g into t, ये जीरो, u आपने निकाल लिया है 1.414, g 10 ले लो, t आपको निकालना है, और एडजस्ट कर लो टर्म्स को, t will be equal to 1.414 upon 10, this is 1.414 seconds, अगर आप g को 9.8 लोगे then it will be बेटा a little bit different, छोटा सा फर्क आएगा, आप accordingly इसको मैनेज कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल डियर चिल्ड्रन? यस बेटे। कृतिका 23 रोल नंबर, अश्मित नागपाल, मिलन आप नहीं बोल रहे हैं, बाकी बच्चे कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, आपने नहीं कुछ भी बताया, ओके बेटा राइट, ठीक है, चलिए जी चलिए आगे चलते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट अस फोकस अपॉन दैट, लेट अस गो फॉर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। एक बेटा वेरिएशन विद हाइट वाला देखें करके, ढूंढ के कहीं से मिल जाए तो लिखिए फिर बेटे आप, हाइट वगैरह या डेप्थ वगैरह के साथ कैसे वेरी करता है आपका जी, इसके साथ रिलेटेड एक आधा प्रॉब्लम आपको देता हूं, आप करिएगा उसको सॉल्व। सो मिल तो नहीं रहा यहाँ पे कुछ भी, लेट मी सी दिस अगेन, चलो छोड़ो इसको, बुक को अपनी तरफ से लिखवाता हूं आपको मैं, लिखिए बेटा नोट कर लीजिएगा बेटे, कैलकुलेट द हाइट at which the acceleration due to gravity becomes one-sixth that on the
सरफेस ऑफ अर्थ, आपको हाइट निकालना है जिस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस के कंपैरेटिवली 1/6 हो जाता है. आई जस्ट मीन टू से दैट जी एट ए हाइट एच, ये आपका 1/6 टाइम्स जी ऑन द अर्थ के बराबर है. आपको डियर चिल्ड्रन हाइट एच जो है ये निकालना है. सारे स्टूडेंट्स उत्तर ट्राई करिएगा, इसके बाद फिर आगे चलेंगे. पहले वाला फॉर्मूला लगेगा आपका जी एट ए हाइट एच इज इक्वल टू जी ऑन द सरफेस इनटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का कंप्लीट स्क्वायर, जो आपने लार्ज हाइट के लिए कर रखा है ना बेटे. ये वाला फॉर्मूला कह रहा हूं मैं, आप सिंपली वैल्यूज पुट करिए और बताइए. 3 टाइम्स आर किसी बच्चे ने निकाला है, गुड नाइस बेटे नाइस. बाकी स्टूडेंट्स भी करके देखो. आई विल ऑल्सो बी सॉल्विंग दिस, बट आप एक मिनट जरूर लगाइए सारे स्टूडेंट्स बेटे. All of you apply your mind for a minute, then I will also be solving this with a Ashmit, Diya, Harnoor, Kritika, Harsimran, or Lavlina, Archita, Milan. Good. So चलिए बेटे मैं भी करता हूं साथ साथ, आप फिर देखिएगा. जी एट ए हाइट एच आपको दिया गया है, इट इज 1/6 टाइम्स जी ऑन द अर्थ. दिस इज इक्वल टू जी ऑन द अर्थ एंड आर का स्क्वायर आर प्लस एच का सारे का स्क्वायर. ये बेटे कट गया आपका, कैंसिल आउट हो गया. यस बेटे चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं. इसको आप बेटे जो आपका इधर है 1/6, इसको मैं ऐसे करके अगर कर दूं तो आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगी. आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर ऐसे कर दूं बेटे, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है बेटे. रूट 6 का स्क्वायर 6 ही होगा, ऐसे लिखा जा सकता है ना. ओके बेटा, तो देखिए बेटे अगर स्क्वायर्स बराबर हो तो बेसिस भी बराबर ही होते हैं. आपने दोनों साइड्स पे स्क्वायर्स इक्वेट किए हैं, अब आप बेसिस इक्वेट कर दीजिए. 1/√6 इट विल बी इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. रूट सिक्स आर इज इक्वल टू आर प्लस एच, रूट सिक्स माइनस 1 इंटू आर इज इक्वल टू, ये आ रहा है बेटे. आपने 3 आर निकाला था, चेक करिएगा बेटा कहीं पे कोई हमारा जो है कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ऑल ऑफ यू एक बार चेक कर लीजिएगा. दिया, कृतिका, ओके बेटा नाइस. सो आप आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, रूट सिक्स की पुट कर सकते हैं, आपके पास ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है दैट विल बी अवेलेबल. यस बेटे ठीक है, बेटे ठीक है, ऑल राइट. चलिए आगे चले. देन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, आप फिर वो भी करिएगा. इससे रेसिप्रोकल वे में अब आपको लिखवा देता हूं. आइए देखिए बेटा. चलिए बेटे आगे चलते हैं. लिख लीजिएगा बेटे. एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू ए हाइट एच इक्वल टू आर बाय 4. कैलकुलेट जी एट दैट हाइट एच. इसको बेटे करिए आप, सारे बच्चे करिएगा. एच आपको आर बाई 4 दिया गया है, इस हाइट पे जी निकालिएगा. सेम फॉर्मूला है आपका जो आप अभी यूज कर रहे थे,
नॉट एट ऑल डिफरेंट, अप्लाई दिस एंड सॉल्व दिस, और बताइए कितना आता है बेटे जी की वैल्यू। जी एट ए हाइट एच, दिस इज जी ऑन द सरफेस, आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, जी एट ए हाइट एच, जी ऑन द सरफेस, आर का स्क्वायर आर प्लस एच, बच्चों हमारा कितना है, एक मिनट पनी का बेटे, एक मिनट बेटे, इसको मैं आर बाई फोर लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, राइट बेटे, एक मिनट बेटे वेट करिएगा। हाँ जी पनिका सर, आपने जो पिछला क्वेश्चन करवाया उसका मेरा आंसर नहीं आ रहा, आप एक बार दोबारा करवा दो। कोई बात नहीं बेटे, करवा देते हैं, डोंट वरी, ठीक है। इसमें पहले हम देखें बेटे आपका, इसको मैं कंप्लीट कर लूं पहले, जी एट ए हाइट एच, जी ऑन द सरफेस, आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी आर फोर आर प्लस आर इसका स्क्वायर, ये आ गई चीज जी बेटे, और फर्दर मोर बेटे ये आपके पास बन गया जी, जी एट ए हाइट एच इज जी ऑन द सरफेस, आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फाइव बाई फोर आर इसका स्क्वायर बेटे, और यस बेटे आई होप इतना ही आएगा, जी एट ए हाइट एच इज जी ऑन द सरफेस, आर का स्क्वायर 25 बाई 16, अगेन आर का स्क्वायर, ये कट गया, जी एट ए हाइट एच इज 16 बाई 25 टाइम्स जी ऑन द सरफेस। चेक करिएगा बेटे, जरा बेटे सारे बच्चे चेक करिएगा, यू आर गेटिंग दिस और नॉट। लवलीना बेटे बोलिए जी, लवलीना सर सेम आंसर आ रहा है। ओके बेटा, नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे। सो पनिका बेटा, एक बार आप जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसको रीट्राई करिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं दोबारा मैं कर दूंगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो कोई और आपका पॉइंट हो तो बताइएगा बेटे, ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन। ओके बेटे, अभी आपका फिर ब्रेक का टाइम हो रहा है, अदरवाइज मैं पहले वो न्यूमेरिकल करता, तो अभी मैं फिर आपको एक देता हूँ चांस, आप खुद कर लीजिएगा, बाकी फिर मैं बेटे उसको अगर नहीं होगा तो बाद में कर दूंगा, डोंट वरी, थैंक यू ऑल।